अगली खबर उत्तर प्रदेश के साउसी जनपद से है, जहां पर नाले में डूबकर किसान की मौत का मामला आया सामने। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम। आप सभी का सबसे तेज खबर साउसी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के साउसी जनपद थाना क्षेत्र सोनवा इलाके से सामने आई है, जहाँ पर नाले में डूबकर किसान की हुई मौत। पैर फिसलने से नाले में डूबा किसान हो गई उसकी मौत। खेत से वापस घर लौटते समय हुई घटना, परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाले से शव को निकलवाया बाहर। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर भेजा पोस्टमार्टम। सोनवा थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव की यह घटना, जहां पर किसान अपने खेत से वापस घर लौट रहा था, तभी नाले में उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब इस घटना की जानकारी परिजनों को हुई तो परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में लगातार नदी, तालाब, नाले आदि में डूबकर घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा मामला श्रावस्ती जनपद के सोनवा थाना क्षेत्र से सामने आया। कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़िया। क्या हुआ है? बाबा हमारा कल 1 बजे गए रहा खेत का, तो खेत खाना वाना खा के गए, फिर खेत देखे पता नहीं चला। उसके बाद में शाम का जब चाचा आए वापसी, तो चाची बोली कि बाबा आए नहीं है, तो जाओ बैठा लो। तो गए उनका बैठाओ, तो दो एक लोग से पूछें तो बोले कि खेत मारा है अबे, 1-1.5 घंटा पहले दोनों गए हैं घरे। फिर हम लोग पूरी रात उनका ढूंढागा, पूरी रात जहाँ एक गांव वहाँ उस खेत जहाँ कुछ रहा सब जगह ढूंढागा, नहीं मिले। तो सुबह एक लोग लेटरिंग गए रहा, तो बाढ़ के पानी नालम ज़्यादा भरा रहा, तो वजह से एक लोग गए सुबह लेटरिंग में, तो देखी उनका कि लाश पड़ी है नाला में। तब फोन की हिन, तब एक लोग गांव कमरे गए तो उनका निकाल लेके आया। अच्छा, नाले में डूब के मौत। नाले में डूब के मौत। कौन सा थाना लगता है? सोनवा थाना।